A wonderful meditation technique to boost memory power of your kids by Guru Manish Sai. Main focus is to de-stress for academic success, to support healthy emotional development, to reach their full potential. ध्यान हमारे बच्चों को तनाव के नकारात्मक प्रभाव से स्वतंत्रता प्रदान करता है और मन को तरोताजा और प्रेरित करता है। यह उन्हें सोचने का एक विशाल और सुगम तरीका प्रदान करता है, जो कि रचनात्मकता और स्पष्टता लाने में मदद कर सकता है। बच्चा आपकी सुनता नहीं है, पढ़ाई में उसके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, स्कूल से लगातार शिकायतें मिल रही हैं, बच्चे का मन एकाग्र नहीं है, तो घबराइए नहीं। ध्यान की इस तकनीक के माध्यम से आपके बच्चे का विकास 100% होगा और वे अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। गुरुदेव श्री मनीष साई जी से जानिए ध्यान की आसान टेक्निक। हरिओम हरिओम। आज मैं ऐसे बच्चों की बात करूंगा जो बहुत उद्दंड है, जिनका मन एकाग्र नहीं रहता, माता पिता की बात नहीं सुनते और पढ़ाई में मेहनत तो करते हैं लेकिन मन एकाग्र नहीं होने के कारण रिजल्ट जो है वो सकारात्मक नहीं आते, परिणाम जैसे आना चाहिए वैसे नहीं आते। कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं लेकिन उसमें भी जो है रैंक जितनी मिलना चाहिए नहीं मिल पाती। माता पिता के लिए भी यह कार्यक्रम अति आवश्यक है, उन्हें इस कार्यक्रम को देखना चाहिए और अपने बच्चे को बताना चाहिए। आप जानते हैं कि आपकी दौलत क्या है, आपकी शोहरत क्या है। आपकी दौलत और आपकी शोहरत आपके बच्चे हैं। यदि बच्चे अच्छे नहीं निकलेंगे तो आप कितना ही पैसा कमा लें, कितना ही बड़ा बंगला बना लें, कितनी बड़ी गाड़ी खरीद लें, बहुत सारा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लें, सब बेकार हो जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। संसार में आप शुरू से अभी तक देख लीजिए, प्राचीन काल से अभी तक, कि जिसकी औलाद अच्छी नहीं हुई उसका सब कुछ खत्म हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण यदि आपके जीवन में कुछ है तो वह सिर्फ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उन्हें स्वस्थ रखना, उन्हें समाज और परिवार से जोड़ना, उन्हें ऐसे संस्कार देना कि जिससे कि वो बाद में जाकर आपकी भी इज्जत करे, परिवार के लोगों का भी सम्मान करे और अपने आप में एक मिसाल बने। तो इन सब बातों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे के मन से नकारात्मक विचारों को दूर करना। आज सबसे बड़ी समस्या जो है वह यही है कि बच्चे बात नहीं सुनते। सैकड़ों ऐसे प्रश्न रोज आश्रम में मेरे पास आते हैं कि गुरुजी क्या करें, बहुत दुखी है, बिटिया बात नहीं सुन रही है, बहुत गुस्सा करती है, बेटा बात नहीं सुनता, बहुत गुस्सा करता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया, लाखों रुपए फीस भरी लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। इस तरह के रोज प्रश्न मेरे पास आते हैं और इन प्रश्नों को जब मैं अंदर अपने ध्यान जब करता हूँ और जब देखता हूँ तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम बच्चे को शुरू से ही अगर अच्छी आदत डाल दें तो वह बच्चा आपके लिए बहुत बड़ा एक ऐसा बैंक बैलेंस, एक ऐसी दौलत साबित हो सकता है कि आप फिर बाद में कितना ही खर्च करें वो कभी खत्म नहीं होगी। पर बच्चे अच्छे कैसे निकले इसके लिए अगर कोई जवाबदार है तो उसके लिए माता पिता जिम्मेदार है।
माता पिता को देखकर ही बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो सबसे पहले माता पिता को बदलना पड़ेगा। जब माता पिता बदल जाएंगे तो बच्चा अपने आप उन चीज़ों को देख के सीखेगा। जब आप अपनी मदर से, अपने पिता से, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, रोज माता पिता का चरण स्पर्श करेंगे, परिवार और समाज से अच्छी बातें करेंगे, आस पड़ोस से अच्छी बातें करेंगे, बच्चे को एक दूसरे से मिलजुल कर रहना सिखाएंगे, तो 100% आपका बच्चा भी इन बातों को सीखेगा। लेकिन आप स्वयं ही घर में अपने माता पिता से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, आस पड़ोस से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। मैंने ऐसे भी घर देखे कि जहां दौलत बहुत होती है लेकिन माता पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं होते, तो बच्चे जो है उनके मन में नकारात्मक विचार ऑटोमेटिकली प्रवेश कर जाते हैं और वो नकारात्मक विचार जो है बाद में एक बड़ा विस्फोट के रूप में सामने आते हैं। ऐसे ही एक किस्सा मेरे सामने आया था। एक बहुत दौलतमंद व्यक्ति हैं जो आश्रम से जुड़े हैं। अब तो खैर उनके यहाँ सब कुछ बदल गया जब से वह जुड़े हैं। उनका बच्चा जो है माता पिता को मारता था। कम से कम 2,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है उनकी, एक ही बेटा है उनका। जब वो मेरे पास आश्रम में इन बातों को लेकर आए तो मैंने उनसे सबसे पहला प्रश्न किया कि आपका अपने माता पिता से कैसा व्यवहार था। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा था। तो मैंने कुंडली देखी, ध्यान में जाके देखा, फिर मैंने उनसे कुछ बातें कही। मैंने कहा कि आपका तो अपने पिता से बिल्कुल ही व्यवहार नहीं था, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा था। तो बोले नहीं नहीं मेरा तो बहुत अच्छा था। कुछ और लोग आ गए, वो चले गए। दूसरे दिन जब वो आश्रम में आए वापस से तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे पिता और मेरे बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। मैंने कल तो आप मुझसे कह रहे थे कि मेरे पिता और मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने स्वीकार किया और फिर मैंने उन्हें समझाया कि जब आपके पिता के आपके अच्छे संबंध नहीं थे तो आपके बेटे के और आपके कैसे होंगे, क्योंकि आपके बेटे ने वही सब कुछ देखा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि माता पिता से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। यदि माता पिता अपने व्यवहार को अच्छा कर लें तो निश्चित तौर पर बच्चे का व्यवहार भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज मैं एक ऐसा ध्यान कार्यक्रम लेके आया हूँ जो मन की एकाग्रता को बढ़ाएगा और बहुत आसान ध्यान कार्यक्रम है। इसे 3 मिनट से 20 मिनट तक आप कर सकते हैं। यह ध्यान इसलिए है कि बच्चे का मन एकाग्र रहेगा तो उसमें पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी, उसमें शुद्ध विचार आएंगे, पॉजिटिव थॉट आएंगे, और पॉजिटिव थॉट आएंगे तो बच्चा जो है निश्चित तौर पर बदलेगा। उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा, वह एकाग्र होगा, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इस ध्यान को माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चा भी कर सकता है। आप सारे लोग एक साथ बैठकर कर सकते हैं। किसी को कुछ सिखाना होता है तो स्वयं को पहले करना होता है। यह ध्यान जो है 5 साल से लेकर 70 साल 80 साल तक का व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि मन को एकाग्र करता है यह ध्यान। आप इस ध्यान को आप अपने बच्चे को शुरू करवाइए, फिर 1 महीने 2 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने बाद इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये प्राचीन समय से चला आ रहा है इस ध्यान, लेकिन जो है हम हमारी संस्कृति को पहचान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरे देश, हम जब बाहर विदेशों में कार्यक्रम करने जाते हैं तो देखते हैं कि योगा मेडिटेशन के प्रति उनका कितना क्रेज है, वो कितना सम्मान देते हैं। लेकिन यहाँ एक योग शिक्षक का, एक ध्यान सिखाने वाले का, एक आध्यात्मिक गुरु का कोई इतना सम्मान नहीं करता जितना बाहर होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि यह कुछ हमको नया कुछ दे के जाएगा व्यक्ति। लेकिन हमारे यहाँ यह प्राचीन काल से सिस्टम चला आ रहा है ऋषि मुनियों से, तो हम सोचते हैं कि सब ये ढोंग और ढकोसला है। न योग ढकोसला है, न ध्यान ढकोसला है, न कोई अंधविश्वास है, न इसकी कोई जाति है, न इसका कोई धर्म है। हर व्यक्ति इसको कर सकता है क्योंकि यह आपके आत्मा का भोजन है।
यह आपके मन का भोजन है, यह आपके मन की खुराक है। आप करके देखिए, एक ध्यानी व्यक्ति 2 घंटे की नींद में 24 घंटे बेहतर तरीके से कार्य करता है। लोग 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे सोते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनका शरीर जो है आलस्य का शिकार रहता है। यदि मैंने जो आपको यह ध्यान कार्यक्रम में आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसे आपने कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे की भी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी, थिंकिंग आपकी जो है पॉजिटिव होगी। तो मैं आपको ध्यान के इस कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक अंधेरे कमरे के अंदर एक आसन लेना है, सामने दिए की लो हो या कोई बिंदी हो या कोई चिन्ह बना हो, उसको एकाग्रता पूर्वक पहले जो है 3 मिनट तक देखना है। जब आप देखेंगे तो आपकी आंखों में पानी भी आ सकता है, बिल्कुल दोनों आंखों से उसको आप एक जैसे देखिए, इसे त्राटक भी कहते हैं। आप उसको जब देखेंगे तो आपकी आंखों से पानी भी निकलने लगेगा, किसी किसी के नहीं निकलेगा। जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी आंख बंद हो जाएगी, और आंख बंद होने के बाद जो चिन्ह आप सामने देख रहे हैं वह चिन्ह आपको बंद आंखों से आपको दिखने लगेगा। मन के अंदर ही, मन मस्तिष्क के बीचों बीच वह चिन्ह आपको नजर आने लगेगा। आप उसे महसूस करते रहिए, जब तक महसूस कर रहे हैं दिख रहा है, उसके बाद फिर से पुनः आंख खोलें और फिर से आप जो है उस चिन्ह को देखते रहें। ऐसा आपको 3 मिनट से लेकर 15 मिनट तक प्रारंभ में करना है। मैं इसकी विधि भी आपको बताऊंगा कैसे करना है। दिए की लो को आप देखते रहें बैठकर, कंसंट्रेशन जो है आपका धीरे धीरे उस चीज के ऊपर बनने लगेगा। जब आपका कंसंट्रेशन उस पर बनने लगेगा तो आप ध्यान की अवस्था में जाने लगेंगे। जब आप ध्यान की अवस्था में जाने लगेंगे तो आपका मन एकाग्र होने लगेगा, आपका मन एकाग्र होने लगेगा तो आपकी सोच पॉजिटिव होने लगेगी, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर एक अलग सी ऊर्जा का एहसास आपको होगा, लोगों के प्रति दया और प्रेम की भावना आपके अंदर आएगी। यह बहुत ही चमत्कारिक ध्यान है, इसे आप करके देखिए। दूरी जो है कम से कम 4 से 6 फीट की होना चाहिए उस चीज के बीच में और आपके बीच में। और एक बात और बताऊंगा, एक ही समय होना चाहिए और एक ही आसन होना चाहिए। आप एक समय डिसाइड कर लीजिए जब आपका पेट खाली हो, या तो प्रातः काल या सायंकाल। भोजन करने से पूर्व, नाश्ता करने से पूर्व बंद कमरा कर लीजिए और आप सामने दिए की लो रखिए या फिर एक ऐसी कोई दीवार जिसके ऊपर कोई चिन्ह लगा दीजिए जो आपके आई कांटेक्ट के बराबर हो, और उसे आप लगातार देखते रहिए, लगातार देखते रहिए। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपका ध्यान लगने लगेगा, आप मन ही मन उस चीज को देखने लगेंगे, आपका थॉट जो है उसी पर जाकर केंद्रित हो जाएगा। और जब आपका थॉट उस पर केंद्रित होने लगेगा तो आप समझ लीजिए आप ध्यान की अवस्था में चले गए। ये बहुत सुखद और बहुत अच्छा ध्यान है। तो आइए जानते हैं यह ध्यान कैसे करें। आइए जानते हैं ध्यान लगाने का सही तरीका। सर्वप्रथम अपनी दोनों आंखों को साफ पानी से धोएं। उसके पश्चात एक निश्चित समय पर एक ही स्थान पर प्रतिदिन ध्यान मुद्रा में बैठें। कम से कम 4 से 6 फीट की दूरी पर एक दीप प्रज्वलित कर उसे रखें। ध्यान रहे कि जो दीप आपने प्रज्वलित किया है वह आपके आई लेवल यानी आंखों के समानांतर होना चाहिए। लगातार दीपक की लौ को एक तक देखें।
यदि आंखों में से पानी आने लगे तो आंखें बंद कर लें। मन मस्तिष्क आंखों पर जोर बिल्कुल न दें, बिल्कुल शांत आराम से रिलैक्स होकर बैठें। 3-3 मिनट तक दीपक की लौ को एक टक निहारते रहें। ऐसा कम से कम 6 बार करना है। हर 6 मिनट के अभ्यास के बाद 20 सेकंड तक अपनी हथेलियों से आंखों की हल्की मसाज करें। रात्रि में दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करें और प्रातःकाल किसी भी केंद्र बिंदु को, जो आप स्वयं घर में बना सकते हैं, लगातार अभ्यास से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। इसके नियमित अभ्यास से आप में इच्छा शक्ति का विकास होगा और आपको अपने कार्यों से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो पहले बिल्कुल अच्छे नहीं आते थे। उसके बाद से मनीष साईं जी के आश्रम में ध्यान होता था तो मेरी उसमें रुचि जागी, क्योंकि मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता था। तो गुरु जी मनीष साईं जी ने बताया कि ये त्राटक ध्यान 15 मिनट से 30 मिनट तक करो तो तुम्हारी मेमोरी अच्छी होएगी। मैं इसको कई महीनों से करता आ रहा हूँ और इसके बाद जो मेरे रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव हुए और मेरी मेमोरी भी अच्छी हुई। तो मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ और मेरे दोस्तों और मेरी उम्र के बच्चों को बताना चाहता हूँ इस त्राटक ध्यान के बारे में। आप इसको 15 मिनट से शुरू करके बढ़ाएं तो आपको इसमें फ़र्क, आपकी मेमोरी में फ़र्क आएगा, आपके रिजल्ट्स इम्प्रूव होंगे। धन्यवाद। आपने देखा कि इस ध्यान को कैसे करना चाहिए। इसके बहुत फायदे हैं, बहुत चमत्कारिक फायदे हैं। सिर्फ यह ध्यान रखना है कि एक ही निश्चित टाइम पर इसको करना है और परिवार के सभी सदस्य करें तो बच्चा भी सीखेगा और सारे लोगों का मन एकाग्र होगा और पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी। बच्चों के लिए यह ध्यान एक चमत्कार है, बस इस चमत्कार को आपको अपनाना है। इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपके जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। यदि आपके बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, वह आपकी बात नहीं सुनता है, उसका मन एकाग्र नहीं है, पढ़ाई में उसके कम नंबर आते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत से ऐसे काउंसलर हमारे आश्रम में हैं जो करियर की भी काउंसलिंग करते हैं और इस तरह के उद्दंड बच्चों को सही करने के लिए प्रॉपर तरीके से उनको ऐसे कुछ टिप्स देते हैं कि जिसके माध्यम से उनकी उद्दंडता खत्म होती है, उनके करियर में उनका ग्राफ बढ़ता है, सामाजिक रूप से भी उनका व्यापक फैलाव होता है, परिवार में उनका व्यवहार अच्छा होता है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तथा माता पिता से वह अच्छा व्यवहार करते हैं, संस्कारों से ओतप्रोत होते हैं। वो इसके ऊपर हम काम करते हैं, उसके लिए पूरा एक सिस्टम है हमारे यहाँ बना हुआ, एक काउंसलरों की टीम है। मैं स्वयं उन काउंसलरों के साथ मिलकर उस बच्चे की स्टडी करता हूँ, पूरी पास्ट लाइफ रीडिंग करता हूँ, आगे जाकर क्या करेगा फेस रीडिंग करता हूँ, कुंडली देखता हूँ, उसका ओरा देखता हूँ। उसके बाद हम एक ऐसा कंक्लूजन निकालते हैं कि हम इसको कैसे ठीक करें, इसको कैसे बदलें, और इसमें हमें बहुत सफलता मिली है। आप भी जुड़ सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज वास्तु गुरु मनीष साई के नाम से है, मेरा यूट्यूब चैनल गुरुदेव टीवी के नाम से है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखें। Hariom, Hariom, Hariom. If you enjoyed watching our videos, do share it and don't forget to subscribe to our YouTube channel.